वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न साइंस ऑफ स्टैंडर्ड 3 एंड दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस एंड द चैप्टर नेम इज ह्यूमन बॉडी द मशीन एंड दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। एट लास्ट वीडियो वी हैव लर्न अबाउट द ऑर्गन सिस्टम। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ह्यूमन बॉडी के बारे में और कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में हमने पढ़ा था कि ह्यूमन बॉडी बनता कैसे है, ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। 8 मेन ऑर्गन सिस्टम होते हैं, है ना, हमारे शरीर में मेन जो है 8 मेन ऑर्गन सिस्टम होते हैं। अब हम लोग जो है अब डिटेल से प्रत्येक ऑर्गन सिस्टम के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों ने वो फर्स्ट वीडियो अगर नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जा करके आप इसके फर्स्ट वीडियो को देख लेंगे, क्योंकि फर्स्ट वीडियो अगर आप देखे रहेंगे तो आगे का जो क्लासेस है वो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो ऑर्गन सिस्टम है स्केलेटल सिस्टम। जी हाँ, स्केलेटल सिस्टम। ओके, आवर बॉडी है 206 बोन्स। देखिए, हमारे बॉडी में 206 हड्डियां होती है और ये सभी मिल करके स्केलेटल सिस्टम बनाती है, ठीक है ना। बोन्स क्या होता है, बोन जो हड्डियां जो होती है, हड्डियां जो है हमारे शरीर को सपोर्ट करती है और हमारे शरीर की का वो क्या शेप शेप में शेप बनाती है, ठीक है, सपोर्ट सपोर्ट भी करती है और हमारे शरीर का शेप भी ये हड्डियां ही बनाती है। स्केलेटल सिस्टम के द्वारा ही हमारे शरीर का जो आकृति है इस तरह से होता है, ठीक है। आवर स्केलेटल सिस्टम ऑल्सो हेल्प अस इन मूविंग। हमारे जो स्केलेटल सिस्टम जो होता है ये हमें मूविंग करने में भी काफी मदद यही मूविंग करने में भी काफी मदद करता है। इट प्रोटेक्ट द इंटरनल डेलिकेट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। और ये जो होता है हमारे शरीर के अंदर का जो डेलिकेट पार्ट्स होता है उसे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ये सब है ना, किडनी हो गई, ये सब क्या, ये सबको ये क्या करता है, स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि वो बहुत ही नाजुक बहुत ही डेलिकेट पार्ट्स होते हैं हमारे बॉडीज का। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्केलेटल सिस्टम का जो आप फिगर है, ये जो है आपका दिस बोन्स होल्ड अप द नेक, ये नेक को होल्ड करती है, ये जो स्कूल इसको ये ब्रेन, ये जो स्कूल है ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, रिब जो है हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, बैकबोन जो है ये हमारे स्केलेटल सिस्टम को स्केलेटल पार्ट्स को क्या है सपोर्ट करता है, ये जो आर्म्स का बोन है ना जो हाथों का मूवमेंट करने के लिए काम आता है, ये लेग का बोन है ये पैर का मूवमेंट करने के लिए काम आता है, ये देखिए टू और मोर बोन्स ज्वाइंट टुगेदर एट अ ज्वाइंट, ये दो और उससे ज्यादा की ज्यादा जो बोन्स है जो अभी एक दूसरे में क्या है हमारे ये इसको इस ढांचे को क्या है करती है ज्वाइंट करने में मदद करती है, ठीक है जी। हाँ स्टूडेंट, तो आप लोगों का जो ये स्केलेटल सिस्टम के बारे में जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है इसका एक पिक्चर बना करके आप जो है हमारे व्हाट्सएप पे आप इसका सेंड कीजिएगा, इसके बारे में भी लिखिएगा कि हाँ कौन सा क्या कौन सा डी, सेम सेम बिल्कुल सेम टू सेम आप इसे अपने कॉपी पे उतार करके इसका प्रैक्टिस कीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप पे भी इसको सेंड कर दीजिएगा। जी हाँ स्टूडेंट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है मस्क्यूलर सिस्टम। जी हाँ, मस्क्यूलर सिस्टम। देखिए द मस्क्यूलर सिस्टम इज अ मेड ऑफ मसल्स। देखिए नाम से ही पता चलता है कि मस्क्यूलर सिस्टम जो है मसल्स के द्वारा बना हुआ है और लगभग हमारे शरीर में जो है 650 मसल्स है, ठीक है। मसल्स जो है वो बोन्स से क्या होता है जुड़ी हुई है ना, ज्वाइंट है किससे बोन्स से, और वे जो हमारे शरीर के जो मूवमेंट में वो बहुत ही काफी हेल्प करता है, यानी बोन्स के जो मूवमेंट होता है उसके लिए मसल्स काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो वी मूव आवर हैंड सी एंड लेग्स, वी ब्लिंक आवर आईज इट इज। देखिए हम लोग जो है अपने हाथों को मतलब मूव करते हुए देखते हैं, पैरों को मूव करते हुए देखते हैं और हमारी जो आंख जो है ब्लिंकिंग करते हैं, यानी कि हम लोग पलक जो मारते हैं, इसी बहुत तरह का मूवमेंट है। ये सभी जो है क्यों होता है, ये सब मसल्स के कारण होता है ना, मसल्स उसमें उसको हेल्प करता है। अब देखिए प्रॉपर एक्सरसाइज कैन मेक आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग। और देखिए अगर हम लोग प्रत्येक दिन अगर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो मसल्स है वो काफी ज्यादा मजबूत होगा। अब देखिए ये जो है मसल्स का, ये जो पूरे मानव मसल्स का ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम का ये पिक्चर है, ये देखिए मसल्स ऑफ द फेस हेल्प स्माइल फ्रॉन स्पीक। ये जो मसल जो है हमारे फेस का जो स्माइल और फ्रॉन स्पीक करने में हेल्प करता है, ये जो आर्म्स का जो मसल है जो आर्म्स को अप एंड डाउन मूव करने में हेल्प करता है, ये जो लेग का जो लेग और फिट का जो मसल है ये हमारे पैर और फिट को जो मूव करने में मसल हेल्प करता है, ये जो ह्यूमन बॉडी जो है पूरे क्या मसल से पूरी तरह से कवर्ड होता है। ओके, अब अगला जो पॉइंट है स्टूडेंट्स नर्वस सिस्टम। जी नर्वस सिस्टम।
इसके आप इसके नाम से ही आप समझ रहे हो कि ये काफी ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि हमारे पूरी बॉडीज को कंट्रोल करता है। ओके ठीक है। द ब्रेन द स्पाइनल कोड एंड द नर्व्स मेक द नर्वस सिस्टम। देखिए ब्रेन हमारा जो ब्रेन होता है, स्पाइनल कोड जो होता है वो, और नर्व्स मिलकर के नर्वस सिस्टम बनाते हैं। देखिए द ब्रेन को हम लोग कंट्रोल रूम कहा जाता है हमारे बॉडी का, क्योंकि सारा चीज कंट्रोलिंग जो है हमारा ब्रेन ही करता है। ठीक है। द ब्रेन गिव्स ऑर्डर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू डू एक्शन लाइक सीइंग, हियरिंग, वॉकिंग, लर्निंग इटीसी। देखिए ब्रेन जो है, ब्रेन ही हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को जो ऑर्डर देता है कि हमें कौन सा एक्शन करना है, देखना है, सुनना है, टहलना है, या सीखना है, पढ़ना है, या बोलना है, ये सारा जो एक्शन करने के लिए ब्रेन ही ऑर्डर देता है। ठीक है। द मैसेज ट्रेवल्स टू द होल बॉडी थ्रू द स्पाइनल कोड एंड नर्व्स एंड द बॉडी पार्ट्स रिएक्ट अकॉर्डिंगली। देखिए अब ब्रेन तो ऑर्डर दिया, तो ब्रेन ब्रेन जब हमें ऑर्डर देता है तो ब्रेन का जो मैसेज है हम तक कैसे पहुंचता है? तो ब्रेन का मैसेज जो स्पाइनल कोड से होते हुए, ब्रेन का जो मैसेज है वो पूरे हमारे स्पाइनल कोड से होते हुए नर्व्स के थ्रू हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचता है। यानी कि अगर हमें हाथ को अगर उठाना होगा तो ब्रेन जो है मैसेज देगा स्पाइनल कोड के थ्रू, नर्व्स के थ्रू हमारे हाथों में हाथ के जो मसल्स को मैसेज जाएगा, वो तब हम उसे अप एंड डाउन करेंगे। देखिए द ब्रेन अंडरस्टैंड डिफरेंट सेंसेशन एंड गिव्स द डायरेक्शन टू द नर्व्स। ब्रेन क्या आता है, अंडरस्टैंड करता है टोटली अलग अलग सेंसेशन का, उसके बाद वो मतलब कि डायरेक्शन देता है नर्व्स को। अब देखिए ये जो नर्व्स है, नर्व्स जो है मैसेज गेट द मैसेज एंड परफॉर्म द एक्शन। नर्व जो है वो क्या करता है, मैसेज को गेट करता है और एक्शन को पूरा करता है। अब देखो नर्व्स गिव मैसेज टू द ब्रेन अबाउट द सेंसेशन सच एज टच। और जो ये सब जो रिसेप्टर्स का जो नर्व्स होता है वो क्या करता है, वो मैसेज लेकर के हमारे जो सेंसेशन जो होता है या फिर टच होता है, उसको मैसेज को लेकर सीधा हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। तो ये रहा नर्वस सिस्टम का पिक्चर। अब देखिए अब हम रिसेप्टर्स के बारे में जहां तक बात कर रहे थे, तो चलिए अब यहाँ हम पहले सेंस ऑर्गन को देख लेते हैं। ठीक है। देखिए हमारे जो है पांच सेंस ऑर्गन होते हैं, आईज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग। ओके। जो कि हमें सहायता करता है फील करने में, है ना, डिफरेंट डिफरेंट एक्शन के थ्रू। देखिए जितने भी पांच सेंस ऑर्गन होते हैं वो हमारे ब्रेन के थ्रू वो अटैच होते हैं नर्व्स, ब्रेन ब्रेन में वो अटैच होते हैं नर्व्स के थ्रू। ओके। देखिए द नर्व्स फील एंड सेंड मैसेज टू द ब्रेन। और नर्व जो होता है वो फील करता है और मैसेज कर सेंड करता है कहाँ, ब्रेन में। अब ब्रेन देन सेंड्स मैसेज टू डिफरेंट ऑर्गन टू वर्क। अब ब्रेन जो है उसको समझ करके, उसको जो भी एक्शन करना होता है वो सोच समझ के वो मैसेज फिर करता है हमारे, है ना, तो हमारे बॉडी पार्ट्स की ओर जाता है, तब जाके वो कोई 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 भी वर्क होता है। अब से यहाँ देखिए आइज हो गया, ये ईयर्स हो गया, आइज का काम है देखना, ईयर्स का काम है सुनना, नोज का काम है स्मेल करना, टंग का काम है स्वाद लेना है, टेस्ट करना, और जो स्किन्स का काम है फील करना, है ना। अब अगला जो पॉइंट आता है स्टूडेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम। जी हाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए द मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स आर नोज। देखिए मेन जो ऑर्गन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो नोज होता है। ठीक है। ये नाक, वाइंड पाइप एंड द लंग्स। नोज और वाइंड पाइप होता है और लंग्स, ये जो मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये जो अंग होते हैं। ठीक है। आवर बॉडी नीड्स एयर टू ब्रीथ। हमारे शरीर को जो है हवा की जरूरत होता है सांस लेने के लिए। ठीक है। द एयर हैज ऑक्सीजन विच कीप्स अस अलाइव। हवा में जो है ऑक्सीजन होता है जो कि हमारे शरीर को वो जिंदा रखता है ना। द मेन फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम इज टू टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन फंक्शन जो क्या होता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। अब देखिए द एयर दैट वी ब्रेथ इन इज कॉल्ड इनहेल्ड एयर। देखिए जो हवा हम लोग ब्रेथ के तौर पे ब्रेथ इन करते हैं उसको हम लोग इनहेल एयर कहते हैं, और जो एयर जो हम लोग ब्रेथ आउट करते हैं उसको हम लोग एक्सहेल एयर कहते हैं। ठीक है। देखिए एक और मैं आपको बात बता दूं कि हेयर इन द नोज ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर। अब देखिए हेयर जो होता है नाक के अंदर में जो बाल होता है वो जितने भी हवा में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या करता है, उसको वहां प्यूरिफाई यानी कि छान देता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो ये पिक्चर है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, इसे आप ध्यान से देखेंगे। देखिए ये नेसल कैविटी हो गया, ये नोस्ट्रिल हो गया, ये लैरिंग्स हो गया, ये फेरिंग्स हो गया। ठीक है। पिक्चर को देखेंगे, इस पिक्चर को आपको बनाना भी है। ये देखिए ट्रैकिया है, इसको हम वाइंड पाइप भी बोलते हैं। ये देखिए राइट मेन स्ट्रीम ब्रंचेस ब्रंच है ना, ये लेफ्ट स्ट्रीम ब्रंचेस है, ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है।
तो इसी में मिलकर के ये टोटल सिस्टम मिलकर के ये क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है। ओके स्टूडेंट्स, तब अब हम आगे बढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की ओर। जी हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। ठीक है, देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसके अंदर में उसके उसके वो जो है कंसिस्ट करता है माउथ, फूड पाइप, स्टोमेक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ठीक है, तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए द मेन फंक्शन जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसका काम क्या होता है, मेन जो वर्क होता है वो कॉम्प्लेक्स फूड आइटम को ब्रेक डाउन करता है सिंपल सब्सटेंस में, यानी कि भोजन को वो तोड़ देता है, तोड़ करके वो एक जाइम बना देता है। ठीक है, जिससे हमारा जो इंटेस्टाइन वगैरह जो है हमारे जो पेट है, पेट में जाने को आसानी से क्या ऑब्जर्व कर लेता है। अब देखिए द बॉडी ऑब्जर्व द फूड इन दिस फॉर्म, और इसी फॉर्म में बॉडी क्या करता है, फूड को ऑब्जर्व करता है, यानी उस पर जो भी इंपोर्टेंट न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको वो ग्रहण कर लेता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन, और इसी प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा पिक्चर बना हुआ है। ये देखिए, यहाँ हम लोग माउथ के थ्रू फूड को खाते हैं, ये फूड जो है इस पाइप के थ्रू जो पास होता है। अब अगला जो है द फूड पार्टिकल जो होता है मिक्स होता है स्टोमेक में। ठीक है, और इंटेस्टाइन में जो है इंटेस्टाइन टेक इन व्हाट इज नीडेड फ्रॉम फूड, और इंटेस्टाइन में जो है जो क्या हमें फूड के जो फूड हम लोग लिए उसमें क्या क्या चीजें हमें जरूरत पड़ती है, उस चीज को क्या होता है पचाने के बाद और ब्रेक डाउन करने के बाद क्या करता है ऑब्जर्व कर लेता है। अब उसके बाद क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है हमारे एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये रहा स्टूडेंट्स डाइजेस्टिव सिस्टम का पिक्चर। ठीक है, तो ये जो एनएस जो होता है, एनएस जो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि जो भोजन पचने के बाद जो भी ये वेस्ट प्रोडक्ट बचते हैं वो एनएस के थ्रू बाहर हो जाता है। तो ये रहा स्टूडेंट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम लोग बढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की ओर। जी हाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम, देखिए इस पे जो है सर्कुलेटरी सिस्टम जो मेन पार्ट जो होते हैं हर्ट होता है, ब्लड होता है, ब्लड वेसल होता है, जो कि मिल करके इसको कंटिन्यूस बनाए रखता है। ठीक है, अब देखिए ये जो ब्लड जो है, ब्लड जो है पूरे शरीर में संचारित होता है, पूरे शरीर में फ्लो करता है, तो कैसे, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो देखिए हार्ट जो पंप होता है, हार्ट पंप जो है ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स में भेजता है ब्लड वेसल के थ्रू। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है ऑब्जर्व कर लिया जाता है, देखिए ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व आर कैरीड टू द बॉडी थ्रू द ब्लड, और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है ऑब्जर्व किया हुआ वो सारे क्या है बॉडी पार्ट्स में ब्लड के थ्रू वो कैरी होता है। ठीक है, और एक मेन पॉइंट में आप बता दूं, हार्ट जो है एक मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है, यानी कि जो दिल का जो धड़कन है वो एक मिनट में 72 बार धड़कता है। ये हम लोग देख लेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम का जो पिक्चर है, हार्ट जो है पुश आउट करता है ब्लड को मेन ब्लड वेसल से, और ब्लड फ्लो होता है सारे वेसल में, और द मेन ब्लड वेसल्स ब्रांचेस एंड गोज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, है ना। ये जो जो ब्रांचेज है ब्लड वेसल्स का, ये अलग अलग जो मतलब कि पूरे बॉडी पार्ट्स में वो सभी बॉडी पार्ट्स में क्या हो चला हो चला जाता है। तो ये रहा सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्लड, देखिए ब्लड का जो इम्पोर्टेंस क्या है, ब्लड कैरीज ऑक्सीजन, देखिए ब्लड जो है ऑक्सीजन को कैरी करता है, ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स टू द लंग्स, और ब्लड जो है ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स टू लंग्स। अब देखिए ब्लड जो है डिफरेंट पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है लंग्स तक पहुंचाता है। इट ऑब्जर्व फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पासेस इट टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, और ये क्या करता है कि ऑब्जर्व करता है, देखिए जो इंटेस्टाइन के थ्रू जो भी ऑब्जर्व किया हुआ रहता है जो फूड का जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होता है ना, वो ऑब्जर्व करके ये ब्लड सेल में चला जाता है, जो कि ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में पहुंचता है। अब अगला जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, एक्सक्रेटरी सिस्टम। यह एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या है, देखिए अ लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल इज प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी, देखिए हमारे शरीर में जो है बहुत ही ज्यादा वेस्ट मटेरियल बनता है। ठीक है, जिसको हम लोग एक्सक्रेटरी सिस्टम के थ्रू जो है वेस्ट को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। अगर वो सारा वेस्ट मटेरियल अगर हमारे शरीर के अंदर रह जाए तो हमारे शरीर में क्या है पॉइजन फैल जाएगा और हम लोग मर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक्सक्रेटरी सिस्टम में जो मेन मेन जो ऑर्गन होते हैं, किडनी होता है, लंग होता है, स्किन्स होता है, ये सभी मिल करके एक्सक्रेटरी सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, लंग्स जो है रिमूव करता है हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना, स्किन रिमूव करता है वेस्ट वाटर को स्वेट के थ्रू, यानी जो हमारे शरीर में पसीना आता है वो जो पानी का जो वेस्ट मटेरियल वेस्ट पदार्थ होता है हमारे शरीर से वो बाहर आता है। ठीक है,
किडनी जो है रिमूव करता है अनवांटेड वाटर को, जो कि यूरिन के थ्रू उसे हम बाहर करते हैं। अब देखिए, द यूरिन इज कैरीड टू द यूरिनरी ब्लड थ्रू यूरेटर। जो यूरिन जो है यूरिनरी ब्लड के थ्रू है ना, यूरिन यूरिन ब्लाडर में जाता है यूरेटर के थ्रू। ठीक है, ये देखिए यूरिन ब्लाडर है, या ये जो ऊपर में ये दिया है यूरेटर, इसके थ्रू जो है यहाँ यूरिन क्या होता है, जमा हो जाता है। अब द ब्लाडर स्टोर द यूरिन टिल इट इज पास इट आउट। और ये जो है ये ब्लाडर जो है यहाँ पर सब पूरा यूरिन क्या है स्टोर होता है, और उसके बाद समय समय पे ये यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर आता है। ये रहा एक्सक्रेटरी सिस्टम का पिक्चर, तो आप एक्सक्रेटरी सिस्टम का भी पिक्चर आप अपने कॉपी पे बना लेंगे। अगला जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जी हाँ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द ऑर्गन ऑफ दिस सिस्टम हेल्प ऑल लिविंग बींग्स टू प्रोड्यूस यंग वन ऑफ देयर ऑन काइंड। देखिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू जो है ना, ये क्या करता है कि हमारे जो मतलब कि जो भी लिविंग बींग्स है उसके मतलब कि सिंपल से कहा जाए, ये बच्चे को जन्म देने में ये सहायता कर। ठीक है, जैसे कि ये माता पिता है, माता पिता के ये जो बच्चे हैं, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू ही ये बच्चे के जन्म हुआ है। तो स्टूडेंट, तो आज ये क्लास 3 का जो फर्स्ट लेसन है, ह्यूमन बॉडी द मशीन, ये आज कंप्लीट हो गया है। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी जो जितने भी ऑर्गन सिस्टम है, सभी का ऑर्गन सिस्टम का आप पिक्चर बना करके हमारे व्हाट्सएप पे आप सेंड करें, ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों ने क्या पढ़ा, क्या सीखा। और इस वीडियो में जो भी अगर प्रॉब्लम होगा या कुछ बातें ऐसी समझ में नहीं आई होगी, तो आप हमें कॉल करके या हमारे व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें हमसे पूछ सकते हैं। और अगला जो वीडियो बनेगा स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर आंसर के होंगे, यानी कि असेसमेंट का। तो